देश और दुनिया में कोरोना वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में बन रही वैक्सीन का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश के 3 राज्यों में स्थित 3 प्रयोगशालाओं का दौरा किया। वे सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जायडस कैडिला के प्लांट में वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा ली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक प्लांट में पहुंचे और वहां से महाराष्ट्र के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट गए। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन के लिए वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। दवा कंपनी जायडस कैडिला भी कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही है। कंपनी ने अपनी दवा को जायको डी का नाम दिया है। कंपनी ने पहले ऐलान किया था कि इस वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल पूरा हो गया है और दूसरे चरण का परीक्षण अगस्त में शुरू किया गया था। कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक जायडस कैडिला की वैक्सीन अगले साल मार्च तक इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकती है। बताया जा रहा है कि जायडस कैडिला 17 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को जायडस बायोटेक पार्क पहुंचकर वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा भी की। उधर फाइजर की वैक्सीन को लेकर एम्स के डॉक्टर ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि फाइजर वैक्सीन की संभाल भारत में काफी मुश्किल है क्योंकि उसे बहुत लो टेम्परेचर में रखना पड़ेगा। Challenge that we have is, one is to see, have a long-term follow-up to see how long does the immunity last. Does it last 3 months, 6 months, 1 year or more than 1 year? And also the data needs to be looked at, how much is it in terms of protective value that it gives as far as individuals are concerned. Did it protect from mild infection? Did it protect from moderate and severe infection? The other challenge that we have with this Pfizer vaccine is that this vaccine has to be kept at a very low temperature. It has to be kept at minus 70 degrees centigrade. Now that for low and middle income countries and a large part of the world is going to be a big challenge to maintain the cold chain, because having a vaccine to be kept at such a low temperature, especially when we're going to smaller towns or rural India, is going to be a challenge. हैदराबाद में भारत बायोटेक की ओर से बनाई जा रही स्वदेशी कोरोना वैक्सीन एम्स दिल्ली में क्लिनिकल ट्रायल के लिए तीसरे चरण में पहुंच गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर भारत बायोटेक कोवैक्सीन को विकसित कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव को पहला टीका लगाया गया है। वहीं अगले कुछ दिनों में 15,000 से ज्यादा स्वयं सेवकों को टीका लगाया जाएगा। तीसरे चरण के तहत 18 साल और उससे ज्यादा की आयु के 28,500 लोगों को विभिन्न केंद्रों पर परीक्षण का टीका लगाया जाएगा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन तैयार कर रही हैं। इसका महत्व भारत में अच्छा खासा है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार कर लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन की 100 करोड़ डोज तैयार करेगा। सूत्रों के माने तो इस वैक्सीन की डोज की कीमत लगभग 500 से 600 रुपए होगी। हालांकि सरकार के लिए इसकी कीमत आधी होगी। यह वैक्सीन कोरोना पर 90% तक असरदार है।